अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हैं AK सुपर टीवी। अल्लाह ताला ने हमारी छोटी सी दुनिया काफी ज्यादा खूबसूरत बनाई है। इसमें से हजारों जगह है जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है और उसका दिल जरूर चाहता है कि काश मैं भी इस जगह जाऊं। तो आज हम हाजिर हैं ऐसे ही 10 बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब जगह को लेकर, जिसे देखकर आप अपनी जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहोगे। तो आइए बताते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए। और अब चलिए बगैर कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, स्काई का जजीरा। स्कॉटलैंड मौजूद जजीरा स्काई वाकई दुनिया की खूबसूरत जगह है। ये जजीरा अपने हमवार मनाजिर, खूबसूरत किले, इसकी तारीख और शानदार मनाजिर के लिए मशहूर है। ये जगह इंतहाई खूबसूरत और दिलकश चीज़ों से भरी पड़ी है, जैसा कि इसमें है फेरी पूल्स। ये तालाब शफाफ क्रिस्टल पानी के बहुत से सीरीज है। इसके अलावा ये फेरी ग्लैंड, ओल्ड मैन ऑफ स्टोर, क्वेरी, पोल्ट्री और खूबसूरत किलों से भरी पड़ी हैं, इसलिए दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक अनोखा मिसाल माना जाता है। नंबर 9, मॉन्यूमेंट वैली। US के स्टेट एरिज़ोना में मौजूद ये वादी यादगार यानी मॉन्यूमेंट वैली एक बहुत ही मशहूर जगह है। कहा जाता है कि ये जमीन पर सबसे ज्यादा तस्वीर खींचने वाले जगह में से एक है। ये वादी बुलंदों वाला पत्थर चट्टानों की मेजबानी करती है, जिसने वक्त के साथ साथ अपनी मुजस्म बनाए। ये चट्टान वादी के फर्श से 400 से 1000 फुट तक ऊपर चढ़ गए हैं और ये सब असल में कुदरती ज़मीनी कटाव की वजह से हुआ है। जहां बाकी हिस्सा तो चला गया, लेकिन ये रह गए और ये अब सच में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहां पर हॉलीवुड की काफ़ी सारी फिल्में भी शूट होती हैं। ये अपने आसपास के मेसों, बर्ड्स और सहरा के माहौल के साथ मिलकर वाकई दुनिया की कुदरती अजैबात में से एक है। नंबर 8, रेड बीच। ये बीच चाइना के शहर पेंजिन के करीब मौजूद है, जो कि अपने अजीबोगरीब खूबसूरती की वजह से वाकई हजारों सियाह को अपनी तरफ खींचता है। ये असल में कोई समंदर वाला बीच नहीं जहां रेत और नीला पानी होता है, बल्कि ये कुछ खास किस्म के पौधे और सीपीड्स की फसल है, जिसका रंग सुर्ख पड़ जाता है और फिर ये किसी समंदर की साहिल की तरह लगती हैं। अगरचे आम जुबान में इसको सुर्ख बीच कहा जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सुर्ख पौधे मौसम बहार में सब्ज पड़ जाते हैं और फिर गर्मी के मौसम में अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं और फिर वो सुर्ख बन जाते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन इसे देखना वाकई मजेदार होगा। नंबर 7, प्लेटिस लेक्स नेशनल पार्क। ये पार्क यूरोप के जन्म बसे के हिस्से की एक इंतहा दिलकश और खूबसूरत जगह है। ये 297 मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें शानदार अपशारे, झरने, पैदल के रास्ते और वादी शामिल हैं। इसमें टोटल 90 अपशारे और 16 झील शामिल हैं। इनकी पानी का रंग दिन ब दिन बदलता रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से ये अपना रंग बदलता रहता है। यहाँ पर हर साल 11 लाख लोग आते हैं इसको देखने के लिए। वाकई में ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है और इसे देखना वाकई में काफी मजेदार होगा। नंबर 6, जांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट। तो चाइना में मौजूद ये फॉरेस्ट यकीनन दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से बहुत ही मशहूर है, क्योंकि इसकी बनावट और नजारे ऐसे हैं कि मानो जन्नत में आए हो। यहाँ इस जगह में काफी बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे सतून और मुजस्मे हैं, जो कि कुदरती ज़मीनी कटाव, हवा, पानी और मौसमी तब्दीली की वजह से लाखों सालों के बाद ये शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, जो कि यकीनन एक वंडरफुल क्रिएशन है। ये पूरे हरे भरे और इसकी चोटियाँ अक्सर धुंध से ढकी रहती हैं, जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। इसे देखकर ये ज़रूर महसूस होता है कि या अल्लाह, जब तुमने इस दुनिया में इतनी खूबसूरत चीज़ें पैदा की हैं, तो उस दुनिया में कैसी कैसी चीज़ें होगी। अब इस जगह को अवतार माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जगह अवतार मूवी में भी यूज हुई थी। वैसे अगर कभी चाइना गया तो इस जगह पर ज़रूर जाऊंगा। नंबर 5, एनिलॉप कैनियन। तो यूएसए अरिज़ोना में मौजूद ये सुर्ख रेतीले चट्टानों की वादी दुनिया के हैरान करने वाली जगह में से एक है। इसे स्लॉट कैनियन भी कहा जाता है। इसमें एक करेक रास्ते और सुराख वगैरह
पानी की सैलाब और हवा की कुरेदनी की वजह से बनी है, जो कि लाखों सालों का नतीजा है। यहाँ की कुछ जगह में अब भी पानी गुजरता है और ये सच में बहुत ही शानदार जगह है। इसके अंदरूनी हिस्सा बहुत ही खूबसूरत लगता है और यहाँ पर अक्सर काफी सारे सियाह आते हैं जो कि सिर्फ यहाँ की फोटोग्राफ लेते हैं। नवाजो के लोग इसे कहते हैं कि वो चट्टान जहाँ पानी गुजरता है, क्योंकि ये रेत की चट्टान पर पानी गुजरने की वजह से ही खूबसूरत और दिलकश जगह वजूद में आई है। नंबर 4, टनल ऑफ लव। तो यूरोप के यूक्रेन में मौजूद ये एक टनल है जिसको मोहब्बत की टनल भी कहते हैं। ये तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर तक लंबी है। असल में ये टनल तब बनाई गई थी जब यूरोप में कोल्ड वार हो रहा था, ताकि इसके जरिए वो अपने खुफिया अड्डों पर सामान ट्रांसफर कर सकें, और इसके लिए तब उन्होंने ट्रेन की दोनों पटरियों के दोनों तरफ पर दरख्त लगाए थे ताकि ट्रेन को कोई देख न पाए और वो खुफिया तरीके से अपने सामान को दूसरी तरफ पहुंचा सके। और ये तब से है, यहाँ दिन में 2 से 3 बार ट्रेन गुजरती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। खैर, ये सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले कपल में मशहूर है। यहाँ काफी सारे कपल आते हैं, घूमते हैं, फोटोज लेते हैं और यकीनन ये काफी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। तो अगर कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाएगा, लेकिन एहतियात करना, कहीं ट्रेन। नंबर 3, हवा का चीना। तो हवा का चीना एक सहराई नहलिस्तान और छोटा सा शहर है जो कि अमेरिका के जनूब मगरबी पेरू में मौजूद है। इसके मरकज में इंतहाई खूबसूरत तरीके से सब्ज पानी का एक तालाब है जिसके इर्द गिर्द खजूर के दरख्त हैं। एक वक्त में कुछ लोग का ये भी मानना था कि इस पानी में बीमारियों को ठीक करने की खासियत है। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि ये झील एक खूबसूरत सब्ज रंग अंकों वाली औरत के रोने की वजह से बना है। उसके आंसू से ये सब कुछ बना है जब उसने अपने मोहब्बत को मरता हुआ देखा। खैर, जो भी हो, लेकिन ये कुदरत की एक अजीब और गरीब तहरीक है जहाँ सेहरा के बीचों बीच पानी से भरा एक खूबसूरत सा शहर वाक्य है। ये इंतहाई खूबसूरत दिखता है और यकीनन अगर मौका मिलेगा तो एक बार जरूर जाना चाहूंगा। नंबर 2, कपाडोकिया। तो तुर्की के मरकज में मौजूद ये इलाका कपाडोकिया बेशक दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत जगहों में से एक है, जो कि मशहूर है अपनी चांदी जमीन रखने की वजह से, अंडरग्राउंड शहर, गारों के चर्च, घर जो कि पत्थरों में बने हैं, और सबसे ज्यादा अपने हॉट एयर बैलून की वजह से। ये पथरीली जमीन असल में आज से हजारों साल पहले के आतिशफेशा पहाड़ों यानी वोल्केनो की पटने की वजह से बने हैं, जिससे यहाँ के पत्थर नरम हो गए और अब लोगों ने इन पत्थरों में कुरेद कर अपने घर बना लिए हैं, और अब ये जगह दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह बन चुकी है। यहाँ हजारों से आते हैं इसके हॉट एयर बैलून में बैठकर इस पूरे लेक का सफर करते हुए। इसके अलावा यहाँ एक साथ 100 से ज्यादा हॉट एयर बैलून आसमान में उड़ाए जाते हैं जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं, और वाकई में ये नजारा काफी दिलकश होता है। नंबर 1, सला दे यूनी। तो अमेरिका के मुल्क बोलिविया में मौजूद दुनिया की सबसे खुमवार और सबसे बड़ी नमक की फ्लेट है जिसको कहते हैं सला दे यूनी। ये 10,000 मुरब्बा किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ अक्सर इस नमक की सतह पर पानी होता है जो कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती आईना बनाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल एक आईने की तरह होती है जो कि इतनी हसीन होती है कि मानो दिल खो जाए, और यही चीज इसको दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह बनाती है। यहाँ काफी सारी माइनिंग भी की जाती है और तकरीबन दुनिया का 70% लिथियम सिर्फ इस जगह से लिया जाता है। यह हर साल हजारों से आते हैं जो कि इस नज़ारे को एंजॉय करते हैं, और जब यहाँ पर बादल आते हैं या फिर शाम होती है तो सितारों की चमक से ये पूरी जगह जगमगा उठती है कि दिल करें कि बस यही देखता रहूं। तो कैसे लगे आपको हमारे आज की वीडियो, और अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो आप किस जगह पर ज़्यादा जाना पसंद करोगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना अगर आपको टेक्नोलॉजी, फैक्ट और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आती है। हम इसका पार्ट 2 भी जल्दी लाएंगे, लेकिन उसके लिए लाइक टारगेट है सिर्फ 100 लाइक्स, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा कर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।